प्लेन सेलेक्ट, ठीक है। मुझे तो रेक्टेंगल से मुझे सेंटर तो देता है, तो मैं रेक्टेंगल भी सेंटर से बनाऊंगा, ठीक है। इदा भी बना सकते हैं, एक होर तरीका भी है। आ देखो आ सेंटर वाला फ्रॉम सेंटर, इतों भी बना सकते, इधर में जाना है, इधर। कितनी डायमेंशन है? 125। एक यूनिट डायमेंशन है। इधर ना बनाने का फायदा की है, सिमेट्रिक हो गया। हाँ जी, दोनों पासे सेम सेम जाओ, ठीक है। फिर एक सर्कल मारे, यूनिट डायमेंशन सानू दी है 105 सेंटर तो डायमेंशन। इतने अपन लिख सकते हैं 105/2, ठीक। ये भी 105 है, 105/2। इधर डायमीटर है 10, ठीक। फिर आप पैटर्न कर देंगे, ठीक है। डायरेक्शन, पहली डायरेक्शन कोई भी दे सकते हैं, आ भी दे सकते हैं, आ भी दे सकते एक्सेस। हम इदा देखो एरो बाहर आ रहा है, हम अंदर तो करना है, ठीक है। कितनी आइटम चाहिए? मैं 2। पिच कितना होवे? 105। दूजा डायरेक्शन मैं कह दी इधर, कितनी आइटम चाहिए? मैं 2। डिस्टेंस कितना चाहिए? 100, ठीक। इस तो बाद पाए सर्कल मार, ठीक। इधर डायमीटर कितना है? 60 इधर रेडियस है ना। हाँ जी, 60 × 2 भी ले सकते। खुद मल्टीप्लाई करने की लोड़ नहीं है, जो चीज दी है वही बनाओ। एक लाइन इतने इन फालतू अपन ट्रिम कर देना, ठीक है। इन डायमेंशन दे दो, डायमेंशन ये एंड पॉइंट ये एंड पॉइंट ये आठ डायमेंशन व्यक्ति के लिए 10, ठीक है। हाँ जी, मेरे कमांड आती है सानू। हाँ जी, इस कर्व को सेंटर लाइन केड़ी मैं कहता है, इस कर्व को एडी डायमेंशन कितनी देती है? 35। 35 × 2, ठीक है। 70 उन्हें अपने आप कर फेटा लानी है, फिलड लो। कितने की फिलड है? 6.5। हम 6.5 लिखे अपन, उन्हें ट्रिम करता लाइन, ठीक है। वैसे ऐसे करके अपना फिलड लांबे नहीं, सर्कल लगाना चाहिए, ठीक है। बट चलो लाभ तो लाभ, 6.5, ठीक। उस तो बाद फिर पैटर्न सर्कुलर कर्व केड़ी मैं कह ली आ वाली, सेंटर पॉइंट केड़ा कितनी आइटम चाहिए? 6 चाहिए क्या? 8 चाहिए। 8 चाहिए, ठीक है। और कौन चाहिए? आप पूरा सही है, आज इनकी पूरी का टाइम ठीक है, ये विच लाइन हैगी है, इस करके आप डिलीट नहीं कर सकते, ये कंस्ट्रक्शन नहीं बना सकते। ठीक, हाँ जी, हम एनएक्स की खासियत यही है कि ये अभी ट्रिम जिदा मर्जी करता है तो साडा फुली डिफाइंड रहेगा फिर भी। ठीक है, यही चीज़ आप सॉलिडवर्क्स के किसी होर सॉफ्टवेयर कर देंगे तो उन्हें सारा गड़बड़ कर देना। ठीक है, स्केच बन जाए स्केच।